ये है मेरे हाथ में LG के माइक्रोवेव का मैग्नेट्रॉन और कैपेसिटर, और इसको हम बदलने के लिए अभी आए हुए हैं बीरपुर। कस्टमर से जब बात हुआ तो उसको हम रेट बताए इसका, तो कह रहा हो आप लोग इतना आग काहे मूत रहे हैं, साला ऑनलाइन चेक किए कुछ और दिखा रहा है, आप लोग कुछ और बता रहे हैं। तो हम अब क्या बोलते, हमारा मुंह की आवाज़ें गायब हो गया। तो हम भी अपना डिफेंस में बोले, वो तो लोकल है, ये हम कंपनी का ओरिजिनल लेके आएंगे। तो वो कहा आइए देखते हैं आपका ओरिजिनल कैसा है। तो फिर चलिए, यही है वो माइक्रोवेव। और इसके फर्स्ट कंप्लेंट पर हम नहीं आए थे, कोई और आया था चेक करने के लिए, सेकंड कंप्लेंट पर ये सामान लगाने हम आए। चलिए फटाफट इसका जो है ऊपर वाला पैनल है वो खोलेंगे। तो यहाँ है माइक्रोवेव का सारा सिस्टम। तो इस पे मैग्नेट्रॉन का जो नंबर है 2M246, तो सेम टू सेम देखिए इसमें भी वही है। देखिए इसमें भी नंबर 2M246 लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम ओरिजिनल है। चलिए अब ये खराब वाला मैग्नेट्रॉन को फटाफट इसमें से निकालते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर से जो ये चदरा का कसा हुआ है, मैग्नेट्रॉन में जो है ना 4 स्क्रू कसा होता है, 2 इस तरफ से है 2 उस तरफ से है। तो इसको हम खोल रहे हैं, किसी किसी में तो एलंकी वाला स्क्रू रहता है, एलंकी से खुलता है, लेकिन इसमें स्क्रू ड्राइवर से ही खुल रहा है। 4 स्क्रू खोलने के बाद हुक टाइप का रहता है, उसी में फंसा रहता है। देखिए आराम से निकल गया। चलिए ये पुराना वाला तो निकल गया, अब इसको रखते हैं बगल में। ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है इसमें, इसको भी बदलेंगे, नया मैग्नेट्रॉन के साथ नया कैपेसिटर लगा रहे हैं। ये कैपेसिटर तो निकल गया, देखिए ये कितने कैपेसिटी का है, 1.10 UF का। हम जो कैपेसिटर लेके आए हैं वो देख लीजिए कितने UF का। ये भी सेम टू सेम है 1.10। पहले हम कैपेसिटरों को फिट करेंगे। अब ये अपना मैग्नेट्रॉन को फिट करेंगे। बड़ा आसानी से ये हुक में फंस जाता है, उसके बाद 4 स्क्रू जो कस देंगे। अब ये जैक लगा देते हैं, क्योंकि मैग्नेट्रॉन पूरा जो है कसा गया बढ़िया से, पूरा पैक पुक करके फिट कर दिए हैं। ये बोरोसिल का बर्तन है मग जैसा, इसमें पानी में जो है ना 2 नींबू निचोड़ करके दिए हैं भैया। अब इसको जो है माइक्रोवेव में डाल करके चालू कर देंगे, क्लीन करना है इसीलिए माइक्रोवेव को, नींबू निचोड़ करके गर्म करेंगे ना तो क्लीन बढ़िया से होगा। प्रॉब्लम इनके अंदर ये था कि ये हीटिंग नहीं कर रहा था पहले, इसीलिए जो है मैग्नेट्रॉन और कैपेसिटर चेंज हुआ। तो ज़्यादा हो दीजिएगा तो।